नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों पहले कुछ क्लियर करना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो बनाई इजराइल और ईरान के ऊपर जहां पे मैंने बोला इजराइल जल्दी ही हमला कर सकता है ईरान पे, ऐसे कमेंट US ऑफिशियल से आए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कुछ व्यूअर्स के बीच में जो कह रहे हैं कि ईरान तो पहले ही हमला कर चुका है। मैंने बोला ही नहीं कि ईरान ने हमला पहले नहीं किया है, मैं ये कह रहा हूं कि इसराइल ईरान पे हमला कर सकता है। ईरान तो कंटिन्यू कर ही रहा है, मैंने वीडियो में क्लियर कट वर्ड यूज करें कि काउंटर अटैक, जब किसी पे अटैक होता है तब वो काउंटर अटैक करता है। तो अभी रिसेंटली ईरान ने इसराइल पे, आपको याद होगा, 182 समथिंग मिसाइल्स दागी थी। अब इसराइल वापस काउंटर अटैक करने जा रहा है, तो ये अपडेट दी थी मैंने वीडियो में, होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों अभी की वीडियो की। कल बाजार में तेजी मंदी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कच्चे तेल में वापस से तेजी बन रही है, गोल्ड लाइफ हाई पे एक बार फिर आकर खड़ा हो गया है। मार्केट में सेंटीमेंट्स नेगेटिव बने हुए हैं, FIIs की सेलिंग रुक नहीं रही है, ग्लोबल तेजी कंटिन्यू चल रही है और भारतीय बाजार इंडेक्स लेवल पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक लेवल पे भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो एक एक करके कोशिश करता हूं चीजों को आपके साथ डिस्कस करने की। शुरुआत करते हैं कमोडिटीज के साथ। गोल्ड में भैया लाइफ हाई लग गया 76,500 के ऊपर, सोना ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये तभी बढ़ता है जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए दिखती है या फिर डिमांड बढ़ जाती है। तो दिवाली आ रही है, डिमांड बढ़ रही है, आप ये भी कह सकते हो। चलो ठीक है, हटाते हैं इसे। कच्चे तेल में बड़ी गिरावट के बाद 0.5% का उछाल आ रहा है, तो भैया कच्चे तेल वालों को राहत मिल रही है थोड़ी सी, जैसे कि OIL, ONGC, बट क्या टिकेगा नहीं टिकेगा वो देखने वाली बात होगी। आगे बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। तो यहाँ पे 60 पॉइंट्स की तेजी गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है, यहाँ से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं कि कल शायद हरियाली आए वापस। ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली अमेरिका की तरफ। डाओ अच्छा कर रहा है आपके लिए, लगभग एग्जैक्टली पॉइंट टर्म्स में 250 पॉइंट्स ऊपर है। नेस्डेक बिल्कुल फ्लैट है, ना तेजी ना मंदी, कुछ नहीं बोलूंगा, है ही नहीं क्योंकि कुछ। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 1.5% की रैली कर रहा है, रॉकेट हुआ पड़ा है भाई साहब। तो रसल 2000 में शानदार एक्शन हो रहा है अमेरिका में, और विक्स उनका 2.5% नीचे है, तो अच्छे संकेत है अमेरिका से, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप की बाजार की बात करें तो फिटसी 1% ऊपर हो गया है, डेक्स 1.5% नीचे और कैक में 0.4% की गिरावट है, तो ये भी ठीक है क्योंकि मैंने दोपहर में जब डिस्कस किया था तो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव था और फिटसी उस समय 0.5% ऊपर था, अभी 1% हो गया और बाकी दोनों जितने गिरे थे उससे कम गिरे हुए हैं, तो रिकवरी मोड ऑन है गिरावट वाली जगह पे और तेजी वाली और तेजी पकड़ रही है। एशिया पैसिफिक, जापान आज 0.25% घटकर बंद हुआ है, निकाई हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव, संघई फ्लैट, कॉस्पी में लगभग 1% की गिरावट थी, ताइवान 0.25% गिरा है, तो एशिया माहौल नेगेटिव बनाता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 25,000 के नीचे बंद हुआ, ये अच्छा नहीं था दोस्तों, और हम बीते कुछ दिनों से 25,200 के ऊपर निकल नहीं रहे हैं और 25,000 के नीचे 2-3 बार बंद हो चुके हैं। अब ऐसे में संकेत तो सारे नेगेटिव हो गए हैं, तो अब सुनिए एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी के लेवल। 25,200 बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। डेटा जो सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है भैया 25,000 के पास ही निफ्टी बंद हो सकता है, कॉल और पुट दोनों में हो सकता है, यहीं पे सेलिंग क्रिएट हो जाए। अदरवाइज एक्शन बड़े की बात करें तो मतलब बड़ा एक्शन बहुत मुश्किल लग रहा है, 25,200 ऊपर में नहीं तोड़ेंगे और 24,800 नीचे भी नहीं तोड़ेंगे। अब इस 400 पॉइंट की रेंज में हम लगभग बीच में खड़े हैं, नीचे भी 150 पॉइंट ऊपर भी 150 पॉइंट, तो मेरे को लगता है 100-125 पॉइंट का मूव होगा मैक्सिमम लेवल पे ऊपर और नीचे जहां भी होगा। बाकी यहां से अगर आप प्रिडिक्ट करने की बात करो तो सारे के सारे संकेत देखते हुए ऐसा लग रहा है दोबारा 25,075 की तरफ हम कल आ सकते हैं, और उसके बाद देखो क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी 10:30 वाली वीडियो में मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। बट अभी तक यही दिख पा रहा है, ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। FIIs की बात करें तो एक बार फिर सेलिंग कर दिया उन्होंने कैश मार्केट में, और बड़े दिनों से धीरे धीरे उनका फिगर छोटा हो रहा था, लेकिन आज वापस से बड़ा हो गया है दोस्तों। 3436 करोड़ की सेलिंग FIIs करते हुए दिखे हैं यहाँ पे, और DIIs की बात करें तो 2256 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। तो बीते कुछ दिनों में जो कांटे की टक्कर चल रही थी, जितना वो बेच रहे हैं उतना ये खरीद रहे थे, आज डिफरेंस ज्यादा हो गया है सेलिंग और बाइंग के बीच में।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर देखने को मिलेगा आपको रिजल्ट्स के दम पर। मैं ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में सब कुछ कवर कर चुका हूँ, शॉर्ट अपडेट देता हूँ। बिरला मनी के दमदार नंबर हैं, एक्लिया सॉल्यूशन के इनलाइन नंबर हैं, कुछ भी हो सकता है। क्रिजिल के अच्छे नंबर हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए स्टॉक। आगे बजाज ऑटो खराब नंबर है, LTTS के खराब नंबर है। तो ये हो गया रिजल्ट्स अपडेट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आईपीओ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ह्यूंडई की आईपीओ को रिस्पांस बहुत ही सुस्त मिल रहा है, स्पेशली रिटेल कैटेगरी से। रिटेल कैटेगरी पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। ऑलमोस्ट 30% समथिंग अभी तक इशू सब्सक्राइब कराए रिटेल कैटेगरी ने, केवल 30%। अगर आप ओवरऑल भी सब्सक्रिप्शन देखें ना, तो वो भी कुछ खास नहीं आया है दोस्तों। तो कम ही लगा रहे हैं लोग पैसा इसमें, और मैंने आपके साथ ऑलरेडी कहा भी है कि पैसा कम ही लगेगा। वन मोर अपडेट दोस्तों, GMP कंटिन्यू टूटता जा रहा है Hyundai मोटर्स का। वारे एनर्जीज का आईपीओ खुलने के लिए तैयार है 21 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर तक खुला रहेगा। और इसके आईपीओ में पैसा लगाने के लिए मैंने एक रील बनाई है, जो जरूर देखिएगा आप इंस्टाग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। आईपीओ में पैसा लगाने की बात करी है मैंने रील में, क्योंकि GMP 85% से ऊपर दिख रहा है। हालांकि GMP को मैं उतना फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन कंपनी भी दमदार दिख रही है फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। बाकी जब आईपीओ ओपन होने जा रहा होगा तो उसको डिटेल वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आगे बात करते हैं दोस्तों मार्केट की। तो कल भी काफी सारे रिजल्ट आएंगे, एक बार रिजल्ट कैलेंडर देख लेते हैं कल के लिए कि कौन से स्टॉक इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें नजर में रखना है। तो इन्फोसिस अपडेट ये आ रही है कि नंबर अच्छे आ सकते हैं और गाइडेंस ऊपर की तरफ रिवाइज किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव साइड पे लग रहा है नंबर, बाकी कल देखते हैं। पोस्ट मार्केट ही नंबर आएंगे। एक्सिस बैंक, विप्रो, नेस्ले इंडिया, LTI माइंट्री, हेवेल्स, पॉलीकैब इंडिया, IOB, जिंदाल स्टेनलेस, टाटा कम्युनिकेशन, सेंट्रल बैंक, टाटा केमिकल, करुण व्यासा बैंक, सीएट, तानला प्लेटफॉर्म, नेशनल स्टैंडर्ड, क्विक हिल टेक, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, एमकॉन, पांच पैसा कैपिटल, ये सारे स्टॉक हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे, जिन पे हमें क्लोजली नजर बना के रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी के साथ ओपन मार्केट में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।